हेलो गाइस, तो कैसे हो, क्या चल रहा है। तो आपका मेरे चैनल में स्वागत है। तो आज के वीडियो में हम रिव्यू करेंगे 2021 की तमिल लैंग्वेज एक्शन थ्रिलर फिल्म एनिमी का, जिसको लिखा और डायरेक्ट किया हुआ है आनंद शंकर ने। लीड रोल में देखने को मिलेंगे विशाल, आर्या, मृणालिनी रवि, प्रकाश राज और ममता मोहनदास। कहानी की बात करें तो सूर्या जिसका रोल प्ले कर रहे विशाल और राजीव जिसका रोल प्ले कर रहे आर्या, जो दोनों चाइल्डहुड फ्रेंड्स है। राजीव हमेशा से सूर्या की शार्पनेस से जलस फील करता है और राजीव काफी कम एज में क्राइम का रास्ता अपना लेता है। उसके बाद कट टू 25 साल बाद दिखाया जाता है, जहाँ पे वो दोनों सिंगापुर में मिलते हैं और एक बार फिर से उन दोनों के बीच में वॉर स्टार्ट हो जाती है, जो पिछली बार से काफी ज्यादा बड़ी और उसके पीछे का जो रीजन है वो काफी ज्यादा खतरनाक है। तो अब कौन किसका एनिमी बनता है और फिल्म के एंड में क्या होता है, यही बात फिल्म की बेसिक स्टोरी बनाती है। इस फिल्म के राइटर डायरेक्टर यानी कि आनंद शंकर, जिन्होंने फिल्म के साथ डिसेंट काम किया हुआ था, उन्होंने दो बड़े एक्टर यानी कि विशाल और आर्या को एक ही फिल्म में कास्ट किया हुआ है। लेकिन इतने बड़े एक्टर का यूज उन्होंने अपनी इस एक्शन पे एक फिल्म को नेरेट करने में काफी बढ़िया और सोलिड वे में किया हुआ है। इस फिल्म के फर्स्ट हाफ में डायरेक्टर ने हमें क्राइम बेस्ड सीन्स दिखाए हुए, वहीं पे सेकंड हाफ में उन्होंने सोलिड एक्शन दिखाया हुआ है। आर्या और विशाल के बीच में जितने भी एक्शन सीक्वेंस शूट किए गए उसको काफी बढ़िया तरीके से एक्सिक्यूट किया हुआ है, जिसकी वजह से उन सभी चीजों को देखते समय हम एक सॉलिड रोमांच क्रिएट हो जाता है। आनंद शंकर ने इस फिल्म को फुल ऑन एक्शन मोड के साथ साथ स्टाइलिंग मैनर में शूट किया हुआ है। उन दोनों चीजों में उन्होंने काफी ज्यादा कॉन्सेंट्रेट किया हुआ है, जिसकी वजह से जो इमोशनल पार्ट बचता है उसमें उन्होंने उतना बेहतर वे में ध्यान नहीं दिया हुआ है। फिल्म की जो स्टोरी थी उसमें काफी बढ़िया स्कोप नजर आ रहा था, जिसमें आप दो हीरो के बीच में और बेहतर वे में दरार क्रिएट करके दिखा सकते हो, जिसकी वजह से सीन एक अलग लेवल पे एलिवेट हो जाता और वो सभी चीजें फिल्म को और बेहतर तरीके से हेल्प कर जाती। लेकिन डायरेक्टर इन सभी चीजों में चूक गए। उन्होंने आउट एंड आउट एक एक्शन फिल्म बनाई हुई, जहाँ पे कुछ चीजों में आपको लॉजिक की कमी भी नजर आएगी। फिल्म का सेकंड हाफ कुछ जगह पे फंसता हुआ नजर आता है और साथ ही में कुछ ऐसे सीन्स देखने को मिलते हैं जिसकी जरूरत नहीं थी, कुछ रिपीटेड सीन्स भी देखने को मिलते हैं। उन सभी चीजों को एडिट किया जा सकता था तो चीजें और क्रिस्प हो जाती। जैसे कि मैंने बताया कि डायरेक्टर ने एक्शन के ऊपर ज्यादा कॉन्सेंट्रेट किया हुआ है, जिसकी वजह से फिल्म के जो की सीन्स थे उसको वो बढ़िया तरीके से एलिवेट नहीं कर पाए, उसका एग्जीक्यूशन उतना बेहतर नहीं था। जहाँ पे दो हीरो के बीच में जो दरार दिखाई हुई है उसको और थोड़ा बिल्डअप करके दिखा सकते थे। सिनेमेटोग्राफी की बात करें तो वो काफी शानदार नजर आ रही थी। जिस तरह से एक्शन सीन्स को हमारे सामने कवर करके दिखाया हुआ है, इस फिल्म में जितनी भी चीजें थी जिस तरह से उसे कैमरा में शोकेस करके दिखाया हुआ है वो काफी बढ़िया था। यह फिल्म देखने में आपको काफी ज्यादा स्लीक और स्टाइलिश नजर आएगी और इन सभी चीजों में फिल्म का एक्शन काफी बेहतरीन तरीके से हेल्प करता है, जिसकी वजह से एक्शन कोरियोग्राफर की तारीफ बनती है। फिल्म का म्यूजिक दिया हुआ है एस थमन ने, जिनके गाने ठीक ठाक थे, उतने कुछ खास नहीं थे, लेकिन बैकग्राउंड स्कोर अव्वल दर्जे वाला देखने को मिलता है। स्क्रीन पे देखने को मिलने वाली चीजों को और बेहतर वे में नेक्स्ट लेवल पे वो एलिवेट कर देता है। परफॉर्मेंस की बात करें तो विशाल, जिनको एक एक्शन पैक रोल मिला हुआ था और उसमें वो बढ़िया तरीके से फिट बैठ रहे थे, उनका लुक फिल्म में काफी सॉलिड नजर आ रहा था। साथ ही में आर्या के साथ में जितने भी एक्शन सीक्वेंस थे उसमें वो काफी बेहतर नजर आ रहे थे। उन्होंने अपने इस एक्शन पैक रोल को काफी शानदार वे में निभाया हुआ है। लेकिन आर्या भी किसी से कम नहीं थी, उन्होंने काफी बेहतरीन वे में अपने नेगेटिव रोल को निभाया हुआ है। उन्होंने काफी बढ़िया तरीके से विशाल को टक्कर दी हुई है। उनकी इस एक्टिंग में आपको एक नयापन जरूर नजर आएगा। इसके अलावा बाकी की कास्ट यानी कि प्रकाश राज, ममता मोहनदास, मृणालिनी रवि, सभी ने अपना सपोर्टिंग रोल बढ़िया तरीके से निभाया हुआ है। तो मैं 2021 की तमिल लैंग्वेज एक्शन थ्रिलर फिल्म एनिमी को 7 out of 10 की रेटिंग देता हूँ। कुल मिला के बात करें तो एनिमी फिल्म आउट एंड आउट एक्शन फिल्म है, जिसमें जो थ्रिलिंग मोमेंट है वो काफी बेहतरीन वे में ऐड किए हुए, लेकिन फिल्म का जो इमोशनल पार्ट है वो थोड़ा कमजोर नजर आता है। इसके अलावा विशाल और आर्या दोनों मिलकर फिल्म को काफी बेहतरीन वे में हमारे सामने पकड़ के रखते है। जिनको आउट एंड आउट एक्शन पैक फिल्में ज्यादा पसंद आती है, साथ ही में बड़े हीरो को लेकर वो ये सभी फिल्में देखना चाहते है, तो इस फिल्म को आप जरूर देख सकते हो। तो बस गाइस, आज के रिव्यू में इतना ही था। आई होप आपको ये रिव्यू पसंद आया होगा। अगर रिव्यू पसंद आया तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, और अगर आपने फिल्म देख लिया तो हमें कमेंट करिए कि आपको ये फिल्म कैसी लगी। तो और भी ऐसे नए साउथ इंडियन मूवी के हिंदी रिव्यू के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू।